हेलो नमस्ते गेम जोकर्स, स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। और आज कॉलेज में एक डे है, कौन सा डे चलो वो तो आपको मैं आजू बाजू दिखाऊंगा तब आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं प्रियल की वेट ही कर रहा हूँ, लेकिन उसका अभी टाइम लगेगा, तो कोई नहीं चलो हम लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं और आपको नज़ारा दिखाता हूँ। और आप लोग कैसे? कैंटीन में हमारे दोस्त नहीं थे, फिर रमेश को कॉल किया तो उसने बताया कि सब लोग क्लास में हैं, तो चलो क्लास में जाते हैं। आज कॉलेज में सारी एंड टाइट है, लेकिन निमिश की हालत देखो, आज की हालत देखो। दिस इज़ द रीज़न मैंने फॉर्मल्स नहीं पहना, वरना मेरी भी आज हालत ऐसी ही होती थी, बिकॉज पसीना बहुत आता है भाई इसमें। रौनक आज लड़के को प्रपोज करने वाला है, कितने सारे रोज लेके आए देखो। ये ठरकी आज आ जा। तो ये है कुछ हमारे टर्फ का नज़ारा, आज नसीब अच्छा है वो फुटबॉल वाले नहीं आए खेलने के लिए। ये मैंने देखा, मैंने हवे मैंने देखा। टर्फ में आज मस्त फोटोग्राफी चल रही है, देखो पीछे के नजारे कितना कलरफुल कलरफुल और ब्यूटीफुल लेडीज लग रही है। ब्यूटीफुल आ भी गई जो आ रही, तो सब गर्ल्स एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लग रही है सारी। नो ब्यूटीफुल्स, ओनली फूल्स। ये फूल सनफ्लावर वाला फूल, ये फूल ने तो भाई दिमाग खराब कर दिया भाई, एक आइडिया क्या दिया, सब लोग आ गए मेरा। अरे यार कोई नहीं, चल बहुत फोटो खींच ले अभी, फटफट निकलते वरना ये लोग वापस रुका देंगे फोटो 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 करके। भाई ये लड़की लोग को जितना भी फोटो खींचा उतना कम ही पड़ता है, क्या बोलते हैं? नॉनसेंस एकदम। इतना फोटो खींचा, इतना फोटो खींचा, देखो मेरे को फिर से पूरा गिल्ला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बेचारा कोरा हुआ था। नॉनसेंस लड़कियां। बड़ी मुश्किल से कैंटीन में बैठने की जगह मिल गई, मतलब बहुत बड़ी बात है, बिकॉज पूरा कैंटीन एकदम खचाखच भरा हुआ रहता है जैसे कि आपको पता ही है। हीरो तो एक ही है गाइस, हीरो। बड़ी मेहनत से वापस में सूख चुका है। हाँ गाइस, वापस सूख गया बिकॉज ऑफ दिस पंखा। अभी ये लोग मेरे को वापस गीला कर देंगे, बिकॉज जाएंगे वापस टर्फ में थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अभी रौनक अभी करने वाला है कि ये रोज लेके रैंडमली किसी भी लड़की को रोज देगा। क्यों देगा? रीजन क्या है? हाँ, जस्ट बिकॉज वो कॉन्फिडेंस रहेगी, अगर मुझे उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं उसको दूंगा रोज। ऐसा है? थप्पड़ मारेगी? ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तू मेरे को फील मोर ब्यूटीफुल, एक्चुअली एक्चुअली एम्ब्रेस करने के लिए उसकी ब्यूटी। व्हाट इफ शी स्लैप्स यू? नहीं करेगी। अभी कुछ जो भी होता है लेट्स सी, देखते हैं पूरा हम लोग शूट करेंगे। चलो तो गाइस देखो अभी रौनक जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या देखते, चलो विशाल चल। वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, टेंशन मत ले। अभी किधर रौनक? वो लड़के लोग नीचे बैठे हैं उधर। अच्छा टर्फ के बाहर जा जा। किस तेरे दोस्त आ रहे हैं? मेरे को बोला भी नहीं आप कौन हो, मैं एकदम रैंडमली किसी को भी दे रहा हूँ, मुझे अगर अच्छा लगे मैं आपको दे रहा हूँ। तलक तीन डोज दे दिए और तीनों के तीन डोज एकदम सक्सेसफुली दे दिए। सलाह। ये जगह देखो भाई, टर्फ पूरा आज भरा हुआ है, उसके वजह से आज कैंटीन में बैठने को जगह मिल रही है। रोज़ ये लोग टर्फ पे रहते तो कितना अच्छा होता। और एक रोज़ देने को जा रहे हैं अभी, और ये लास्ट एंड फाइनल। और आओ आओ, अरे मजा हो सही हो, मजा हो सही हो, अरे चलने मजा हो सही जो खाली।
के रखो ना अभी। मुझको एग्जैक्टली पता है किसको देना है, तो देना है। अगर तू इंटेलिजेंट है तो तू दे देगा। इतना घूम घूम के पसीना बहुत हो गए, तो आप लोग एक काम करो, मैं और भाभी क्रोमा गए थे तो उधर थोड़ी बहुत क्लिप शूट की थी, बहुत मजा आया था, तो आप वो क्लिप्स देख के आओ, तब तक मैं ये पसीने का कुछ करता हूँ। चलो देखो अपना व्लॉग एकदम 4K में इतना मस्त लग रहा है, तो देखो ज़रा 4K में और मज़ा करो। मैं और भाभी कभी क्रोमा में आए थे तो सोचा कि IMAG है तो ज़रा अपना वीडियो भी दिखा चलाते ज़रा क्रोमा में। भाभी कैसा लग रहा है अपना व्लॉग इस IMAG में? मस्त, एकदम ज़बरदस्त। ले लेते क्या, उठा के जाते? चल मैं क्या बोलता हूँ, सुन मैं क्या बोलता हूँ, कहते इसको उठा के निकल लेते, क्या क्या ही पता चल रहा था इसको। हाँ चल लेके जाते, अपने वैसे पार्ट टाइम बिजनेस हो ही तो चल। रेफ्रिजरेटर और मिरर 2-in-1 कॉम्बिनेशन, ये बसा लो, मिरर की ज़रूरत नहीं है घर पे, ऐसे 2-3 फ्रिज बसा लो घर पे, बेस्ट है। क्या बोलते हैं भाभी, मस्त ना? बराबर है एकदम। फ्रिज ले लो, कांच मत लो। हाँ फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के साथ कांच, फ्री फ्री फ्री, वाओ। इधर लिखना चाहिए ऑफर में। हालत खराब हो गया, फोटो खींच के खिंचवा के सब करके, अभी ये लोग को मैं बोल रहा हूँ चलो अभी बहुत हो गया, लेकिन इतने वो है इसके, मतलब चलने भैया इधर। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, अन्न का एक दाना मेरे मुंह में नहीं डाला है। फाइनली ये सबका फोटो शूट हो गया खत्म, और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी फ़ोटो वोटो सब खींच के हो गए, और ये हमारा मतलब मेरे बचपन की यादें ताज़ हो गई, बचपन इन द सेंस कि मेरे 11th 12th की यादें ताज़ हो गई, बिकॉज 11th 12th मेरा यही क्लास था। दिस वॉज माई क्लास इन 11th एंड 12th। मस्त एसी भी चालू है, पंखा भी चालू है, एक नंबर, कोई टेंशन नहीं, बाहर जितनी गर्मी थी उतनी ठंडक यहाँ। और मैं 11th 12th में 4th बेंच पे बैठता था, और अभी 4th लास्ट बेंच पे, प्रोग्रेस देख रहे हो मेरा एकदम यहाँ से यहाँ पे। तो बस अभी थोड़े टाइम बैठते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता करते हैं, बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं, और इतना धूप में इतना फ़ोटो वोटो खींचाया है भाई। चलो अभी थोड़ा बैठता हूँ, नाश्ता वाश्ता करते हैं। खींचा फिर भी ऐसे लोग को थोड़ा वो भी नहीं है, संतुष्ट नाम की चीज़ नहीं है ये लोग में। ये देखो क्या करना है, किधर जाएगी इतना फ़ोटो खींच के। फाइनली अभी घर पे आ गया हूँ, सब खत्म हो गया, सारे डे टाई डे खाना पीना फोटो वोटो सेशन सब हो गया खत्म। अभी आ गया हूँ घर पे, अभी मुझे फटफट चाय नाश्ता करके आधे एक घंटे में जल्दी निकलना है शूट के लिए। तो आज वो दिन है जिसका आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, जिसके साथ मेरा कोलैब आने वाला था, जिसके साथ मैं कोलैब करने वाला था, तो बस आज ही जा रहा हूँ मैं शूट करने के लिए। लेकिन समस्या हो गई है बहुत बड़ी, मुझे अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि कपड़े अभी मुझे शॉपिंग की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे पास अभी कुछ कपड़े ही नहीं बचे, जो मैंने नए लिए थे वो भी मैंने पहन लिए, तो अभी आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स टू वेयर। तो मैंने सोचा कि एक शर्ट है, बहुत टाइम से पहना नहीं है, तो मैं वो पहनने का सोच रहा हूँ। बाकी कोई टी शर्ट्स तो मुझे दिख नहीं रहे, मुझे पहले ये ग्रीन टी शर्ट पहनना था, लेकिन गर्मी है तो क्यों वो पहनूँ, तो और गर्मी हो जाएगी, वैसे इतनी गर्मी हो रही है। तो लेट्स से वो सब फिगर आउट करता हूँ, और ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ, बिकॉज ये ब्लॉग को एंड करके मुझे अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करके और एक ब्लॉग स्टार्ट करना है, जो आप लोग देखोगे अभी वेनसडे को। तो चलो ऐसे ब्लॉग को इतने रख दे, अगर आपको ब्लॉग चलाओ कोई भी रीजन से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक के बिना मत जाना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।